हेलो एंड नमस्ते, अर्चनास क्रिएटिव कैनवास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखते ही देखते त्यौहार आकर चले भी गए। अभी कुछ ही दिनों पहले तो हम सभी अपने घरों को सजाने संवारने में व्यस्त थे, पर अब बारी आ गई है इन सजावट को हटाने की, जिसका बिल्कुल भी मन नहीं करता। बट इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें इन चीज़ों को संभाल कर रखना भी है, ताकि आगे आने वाले साल में हम इसे यूज़ कर पाएँ। क्योंकि चीज़ों को हम संभाल कर रखते हैं तो उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। मैंने दिवाली पे इस तरह के फेरी लाइट भी लगा कर रखे हुए थे, इन्हें भी अब रिमूव कर लेंगे। दिवाली से लेकर छठ पूजा तक मैं अपने डेकोरेशन को ऐसे ही रहने देती हूँ, लाइट्स वाइट्स नहीं उतारती। बट अब छठ पूजा भी ख़त्म हो गए हैं तो अब इन्हें हटाना ही होगा। तो इस तरह से संभाल कर रखने से आने वाले कुछ सालों तक मैं इसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब बारी है दिवाली डेकोरेशन में यूज किए चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की। तो इसके लिए सबसे पहले आप जितने भी डेकोरेशन से संबंधित सामान हो सबको एक जगह पर इकट्ठा कर लीजिए। तो मैंने डाइनिंग टेबल पर सभी चीज़ों को एक जगह रख लिया है। जो भी चीज़ मैंने दिवाली पे यूज़ किया था उन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ एक जगह पे रख लिया है। अब इन्हें सेग्रीगेट करके सारी चीज़ों को अलग अलग पैकेट्स में डालकर ऑर्गेनाइज कर देंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ इन चीज़ों को। सबसे पहले मैं लाइट्स को ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। तो इसके लिए मैंने लाइट्स के ही बॉक्स रखे हुए हैं। ये बेडरूम की बालकनी के लाइट्स हैं, ये छोटे डब्बे में आ जाते हैं, और ये डब्बे इन्हीं लाइट्स के भी हैं। तो मैंने इन्हें पिछले 2 साल से संभाल कर रखा हुआ है। दिवाली के बाद मैं इसी में पैक करके रख देती हूँ। और ये वाला डब्बा एक और बालकनी के लाइट्स का है, जो बच्चों के रूम का है। मैंने सब में लेबलिंग करके रखा हुआ है, जिससे मुझे ये पता चल जाता है कि कौन सी लाइट किस बालकनी की है, और हर साल उसी बालकनी में ये लाइट लगती है। और कुछ लाइट मेरे कॉरिडोर के हैं, जो पिछले 5 सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं इतने अच्छे से संभाल कर रखती हूँ कि ये अभी तक ख़राब नहीं हुए हैं। तो मैं इस तरह से बंडल बनाकर अच्छे से बांध कर इन सबको रख देती हूँ। और इनमें थोड़े वायर भी एक्स्ट्रा जोड़ने होते हैं, उसे भी मैं इसी में छोड़ देती हूँ, इसे रिमूव नहीं करती। और इस तरह के कपड़े के जो पैकेट्स आते हैं शॉपिंग बैग, उसमें मैं इसे अरेंज करके रख देती हूँ। और यहाँ रखने से मुझे हर साल बहुत इजीली मिल जाता है, ढूंढना नहीं पड़ता है, तो मैं फटाफट निकाल कर इसे लगा पाती हूँ। मेरा मानना है कि यूज करने के बाद चीज़ों को अच्छे से संभाल कर रखें तो उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। एक खाली कार्टन बॉक्स लिया है, उसके अंदर रंगोली बनाने वाले कलर्स को रख दूंगी। कुछ बॉटल खाली भी हैं, उसे भी मैंने इसी में अरेंज कर दिया है कि अगले साल मैं पाउच वाले कलर्स भी इसके अंदर फिल करके रंगोली बना सकती हूँ। इस तरह से रखने से चीज़ें इधर उधर बिखरी भी नहीं रहती, और जब ज़रूरत होता है तो हम इसे यूज़ भी कर पाते हैं। और इस बॉक्स के ऊपर मैं मार्कर से लेबल कर दूंगी कि मैंने इसके अंदर क्या रखा हुआ है, जिससे नेक्स्ट ईयर मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह से आप भी अगर किसी इस तरह के बॉक्स में सामान रखते हो तो उसके ऊपर लेबलिंग ज़रूर कर दें। किचन का एक खाली डब्बा मैंने ले लिया है, जो ट्रांसपेरेंट है, और उसके अंदर बड़े बड़े घंटी वाले जो लटकन है उसे स्टोर कर दूंगी। ये ट्रांसपेरेंट डब्बा है, जिसमें दिखाई भी पड़ते रहेंगे और ये अच्छे से चले जाएंगे, इसमें उलझेंगे भी नहीं और ये टूटने का भी डर नहीं रहेगा। तो इस तरह के बॉक्स को मैंने यूज़ किया है, ये मुझे बहुत पसंद आया। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगेगा। आप इस तरह से अपने लटकन को इसमें स्टोर करके रखिए, आपको भी बहुत पसंद आने वाला है। और सबसे अच्छी बात कि इसमें कोई लेबलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें सारे चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं और ये देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इस तरह से इस बॉक्स को मैंने रेडी कर लिया है, सारे लटकन एक जगह पे मैंने स्टोर कर दिए हैं। इस तरह से ट्रांसपेरेंट बॉक्स में चीज़ों को रखने से दिखना आसान हो जाता है, तो जब भी कोई छोटा मोटा त्यौहार आता है तो हम इसे यूज कर सकते हैं। और इस तरह का मैंने कैंडल होल्डर बनाया हुआ था स्पून से, इसकी शॉर्ट्स वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड भी की है, आप वहाँ पर ज़रूर देखना। तो इसे एक पैकेट के अंदर स्टोर कर दूँगी, ये कपड़े में आने वाले पैकेट हैं, ये ट्रांसपेरेंट है, इसलिए मैंने इसमें रखा है, जिससे इसमें डस्ट भी नहीं जाएंगे और ये हमें दिखाई भी पड़ता रहेगा कि इसके अंदर मैंने क्या रखा हुआ है। तो इस तरह के पैकेट्स तो सभी के घरों में होते हैं, आप इसे ज़रूर यूज करिए। और दूसरे जो बंधन वार थे उसे भी मैंने इस तरह के पैकेट में रख दूंगी, ये भी कपड़ों के साथ आते हैं जिसमें बटन्स लगे होते हैं, तो ये मुझे बहुत पसंद आते हैं, इस तरह के पैकेट में संभाल कर रख देती हूँ। इसी पैकेट में प्लास्टिक के फूलों वाले जो लटकन हैं उसे भी स्टोर कर दूंगी, इसमें रखे हुए दिखाई पड़ते रहेंगे और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ से आसानी से ले पाऊँगी। और सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर डस्ट भी नहीं जाते हैं, तो आप इस तरह के पाउच को संभाल कर रखिए, ये बहुत काम आते हैं। इस तरह से मैंने इन चीज़ों को पैक कर दिया है।
एक मेरे पास कुकीज़ का बॉक्स है जिसे मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ, इसके अंदर भी कुछ चीज़ें मैं स्टोर कर देती हूँ। मैंने मंदिर ऑर्गेनाइजेशन वीडियो में भी दिखाया था, तो इस तरह के लोटस मैंने इसी में रखा है। कुछ कैंडल्स हैं, कुछ फेरी लाइट्स हैं जिसे मैं इसके अंदर स्टोर कर दूंगी। तो चीज़ों को सेग्रीगेट करके रखिए तो बहुत आसान हो जाएगा आपको नेक्स्ट टाइम दिवाली डेकोरेशन करने में, या फिर किसी भी त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए। घर तो सजाने ही पड़ते हैं, तो आप इस तरह से रखेंगे तो बहुत ईजिली आप यूज कर पाएंगे चीज़ों को। इस तरह से दिवाली डेकोरेशन के आइटम्स को मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया है, और इसके लिए मैंने किसी स्पेशल ऑर्गेनाइजर की ज़रूरत नहीं समझी। मैंने उन्हीं पुराने डब्बों और पाउच को इस्तेमाल किया है जो घर में बेकार पड़े हुए थे। इससे उन चीज़ों का भी इस्तेमाल हो गया जो बेकार थे, और हमारी चीज़ें भी सुरक्षित हो गईं। और इस तरह का एक टेबल रनर है जो काफ़ी खूबसूरत है, और इसे पिछले मैं 7-8 सालों से यूज कर रही हूँ। त्यौहार के बाद मैं इसे बहुत ही अच्छे से एक पुराने कुशन कवर के अंदर रखकर पैक कर देती हूँ, जिससे इसके अंदर डस्ट भी नहीं जाता। तो इस तरह से पुराने कुशन कवर का भी यूज हो जाता है और चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। अब इन सभी ऑर्गेनाइज चीज़ों को एक कार्टन बॉक्स के अंदर ऑर्गेनाइज कर देंगे, क्योंकि हम इन चीज़ों को अलग अलग रखेंगे तो काफ़ी स्पेस लगेंगे इसके लिए। तो एक खाली कार्टन बॉक्स ले लिया है मैंने, और इसके अंदर सभी चीज़ों को फिट कर देंगे। तो आप अपने हिसाब से बड़े छोटे जैसे भी आपके सामान हो उस हिसाब से एक बॉक्स को चूज कर लीजिए और उसके अंदर सभी चीज़ों को फिट कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि इसी बॉक्स के अंदर मैक्सिमम चीज़ों को रखूं, ताकि एक जगह पे रहे तो हमें आसानी हो जाए लेने में। तो इस तरह से मैंने लटकन वाले बॉक्स और जो मैंने रनर रखे थे कुशन कवर के अंदर, उसे भी इसी के अंदर डाल दिया है और इस बॉक्स को पैक कर देंगे। तो सभी आइटम्स को अलग अलग पाउच में डालकर और एक ही कार्टन बॉक्स के अंदर मैंने पैक कर दिया है, और इस तरह से टेप से इसे सिक्योर भी कर देंगे। और इसके ऊपर लेबलिंग ज़रूर करें ताकि ऐसे और भी बॉक्स हो तो उनके साथ मिक्सअप ना हो, पता चले कि इसके अंदर मैंने क्या रखा हुआ है। तो मैंने इस तरह से दिवाली डेकोरेशन आइटम्स का लेबल लगा दिया है, और ये बॉक्स मैं अपने मंदिर वाले रूम में रखती हूँ। इसे मैं छोटे मोटे चीज़ यूज़ करती रहती हूँ, तो इसे मैं इसके अंदर नहीं डाला है। और इस कार्टन बॉक्स को अपने वार्डरोब के टॉप सेल्फ पे मैं रख दूंगी, जहाँ मैंने जगह बनाकर रखा हुआ है। आप चाहें तो बेड बॉक्स में भी इसे स्टोर कर सकते हैं। दिवाली में यूज होने वाले सभी दियों को गर्म पानी में डाल दिया है, इसे सर्फ के पानी से धो लेंगे जिससे इसमें लगे हुए ऑयल और घी निकल जाएंगे। और एक मैंने मिठाई का कंटेनर लिया हुआ है, ये खाली डब्बा था, इसमें सभी दियों को स्टोर कर देंगे। इस तरह से अपने दियों को स्टोर करके रखें, जिससे DIY बनाने में बहुत आसान हो जाता है। जब भी हम प्लांट लगाते हैं तो प्लांटर के ड्रेनेज होल को कवर करने में भी ये दिए काफ़ी काम आते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।